आज बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कंधे क्यों गिरते हैं। हमारा कंधे गिरने का कारण है, कई बार हम ये वाली कटिंग ज़्यादा कर देते हैं और कई बार क्या करते हैं, हम अपना आर्म होल कम ले लेते हैं, तभी हमारे कंधे गिरते हैं। और कंधे हमारे तभी गिरते हैं जब हमारा बैक का नेक बड़ा होता है। ये देखिए, ये हमारा बैक नेक बड़ा है। हमारा बैक नेक जैसे बड़ा होता जाएगा, हमारा तीरा कम होता जाएगा। ये देखिए, अब ये हमारा तीरा हमने 12 लिया हुआ है और इसका नेक है 9 इंच। इसकी जो लेंथ है नेक की 9 इंच है। अब ये हमारा कंधा नहीं गिरेगा, लेकिन अगर हम इसका 14 इंच तीरा लेते और यही हम नेक की लेंथ लेते तो हमारा कंधा ऐसे गिर जाता। ये देखिए, क्योंकि हमारा तीरा बड़ा हो जाता। जैसे जैसे हम गले की लंबाई बढ़ाते हैं, तीरे को हम कम करते जाते हैं और आर होल्ड भी थोड़ा बड़ा करते हैं इसके हिसाब से। अगर हम आर्म होल छोटा रखेंगे, कई बार यहाँ से हम आर्म होल छोटा रखते हैं और हमारी ये स्लीव यहाँ से टाइट हो जाती है और बाजू पर नहीं आती है, तो हमारा कंधा ये ऐसे फैलने लगता है और खींचने लगता है। ये देखिए, अगर हम ये वाली कटिंग ठीक करेंगे और जैसे हम गले की लंबाई बढ़ाएंगे, हम अपने तीरे को भी घटाते रहेंगे। 1 इंच अगर हमने 7 इंच बनाया तो हम 1 इंच घटाएंगे। अगर हमने 7 इंच से ज़्यादा 8 इंच 9 इंच तो हम अपने कंधे को अपने तीरे को 2 इंच घटाएंगे। ये देखिए, और आर्म होल अपना नापेंगे, जो हमारी बाजू है ये वाली बाजू की साइड है, हम यहाँ से जो ये बाइसेप्स है ये वाली चीज़ जो हमारी आती है, हम इसको नापेंगे और इसके हिसाब से लेंगे। हमारा आर्म होल ठीक होगा, हमारी ये कटिंग ठीक होगी और हमारी तीरे की कटिंग ठीक होगी तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कई बार क्या होता है, हमारा गला, ये फ्रंट वाला गला हमारा पीछे जाता है, ये कई लोगों में प्रॉब्लम होती है। तो हम अगर हमारा नेक पीछे जाता है तो हम ये बैक वाला पार्ट है, जो हमारा बैक वाला पार्ट है, हम 1 इंच बड़ा काटेंगे। ये वाली चीज़ हम 1 इंच बड़ा काटेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो हमारा गला पीछे की तरफ जा रहा है, ये गला नहीं जाएगा, ये हमारा गला बिल्कुल ठीक आएगा। और यहाँ पर जो ये हमारा गला फैलता है, इसके लिए हम यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे ये गला बड़ा होता जाता है तो उसके कंधे गिरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं तो उससे भी हमारे कंधे नहीं गिरेंगे। हम तीरा कम कर लेंगे, उससे भी हमारे कंधे नहीं गिरेंगे। और यहाँ पे हम एक पट्टी लगाते हैं, उसमें चिट बटन लगाते हैं, तो हमारी जो स्ट्रैप्स होती है वो इसमें बंद हो जाती है और हमारे गला ये नहीं फैलता। ये देखिए, हमारा गला ऐसे फिक्स आता है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।